नासर दिल किनारे आ मेडियां पलकां से पलकां पा आज ईद का दिन और आपका भाई हो रहा है तैयार। ईद मुबारक। हाँ भाई ठीक हो सारे? सेहत तबीयत ठीक है? रोजे किस तरह के हैं? टैट हो? बाकी बातें करेंगे वापस आके, क्योंकि अभी ईद का टाइम हो रहा है और कहीं लेट ना हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। घोड़े वाला गिरा सी वो हो रहे वो तो मतलब क्या बहुत हो गए Welcome back guys, कैसे हैं आप सब? तो हम वापस आ चुके हैं, इतनी नमाज पढ़ी है, वापस आके मैंने नाश्ता किया और अब हम जा रहे हैं रिश्तेदारों के घर, थोड़ा ही मुबारक करेंगे। और हम दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह एंजॉय करते हैं दोस्त मिलकर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। अमित भाई परेशान है, मन परेशान परेशान है भाई। अरे अस की डाट की ताला ने बंदे हो फाइनली जी हम खपे की झील पहुंच गए हैं। ये है मेरे साथ अफजाल, हमने मैट्रिक तक एक ही साथ पढ़ा है। हमारे साथ साथ आप इंजॉय करें इस ब्यूटीफुल सीन को। ईद के दिनों में अक्सर मकामी लोग और दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ का विज़िट करते हैं। काफ़ी प्यारी जगह है माशाल्लाह से। और अब हम आपको सुनाते हैं एक सराय की सॉन्ग। आबिद उमर साहब का एक शेर है कि ये क्या पड़ी है तुझे दिल जलों में बैठने की, ये उम्र तो है मियां दोस्तों में बैठने की।
जा रहे हैं कनाटी वाह की तरफ, ये भी रास्ते में पड़ता है, तो सोचा कि इसको भी विजिट करते जाते हैं। वेलकम टू कनाटी गार्डन्स। ईद का दिन होने की वजह से यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था और इस हजूम से निकलना बेहद मुश्किल था। सो फाइनली जैसे तैसे करके हमने अपने बाइक को यहाँ से गुजारा और साथ ही पार्किंग में अपने बाइक को पार्क किया। एंड हियर इज़ द मैप ऑफ कनाटी गार्डन्स। यहाँ से गुजरते हुए मुझे सही जंगल वाली वाइब्स आ रही थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और बाग में मौजूद परिंदे चहचहा रहे थे। दरख्तों के खुश्क पत्तों पर पांव रखने से एक अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही थी जो कि अपने आप में एक सहर था। खैर चलिए आपको बाग की सैर कराते हैं। बुक बरो आम थे बैठा। यहाँ पर मैंने और अफजाल ने मिलकर हामिद के ऊपर पानी फेंकने का प्लान बनाया जो कि खासा कामयाब ना हो सका। तोड़ दे गैलन भी, लेकिन मैंने ना यही है पिटी बोसी थोड़े इधर खिटो उधर खिटो। और ही चले भाई रे नहीं आने तो बने इधर भरे भरे। अरे आज ये क्या बात है, तुम बता भरे ना बहुत। हेलो चल 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 सॉरी 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 भाई चल चल ओए मजा आया अमित भाई, पानी आंदा मजा आया, चंगा काम सही ठंडे हो गए, गर्मी दूर थी। खैर पानी से तो सटे नहीं है, पानी उधर है। यही करिए आवाज है गोरन लगाए सु भाई बगरा कोई केला बकरा नीचे से हाइकिंग करके हम ऊपर जा रहे हैं टॉप पॉइंट पे। सुनाओ जी कपड़े बड़े सेव है ने ठीक है दिती जागती है। वगा वगा एक बार वगा
जनाब सिर्फ पेट्रोल ख़त्म हो गए हैं, मोटरसाइकिल है जनाब, साइकिल आ कर लेने पे हैं। जंगल व्यावान तो ना कोई शॉप तो ना कोई पंप, की करिए तो की ना करिए कोई समझ नहीं आ रहा था इस टाइम। पेट्रोल का तलब सीधे को गाइस आप ही बताएं, यहाँ पहाड़ों में पेट्रोल आएगा? इधर पानी नहीं मिलेगा और पेट्रोल किधर से आएगा? सही गरम है। हमने ढूंढी एक बोतल और उसके जरिए अपने दोस्तों से पेट्रोल लिया और फिर अपने बाइक में डाला। इस भूख से बुरा हाल हेड ऑफ फेस। शाम के वक्त हम पहुंच गए जनाब तलांग सिटी में और यहाँ पर हमने पिया सोडा। अंकल को हमने कहा कि कैमरे में देख के हाथ हिलाते, लेकिन वो अपने काम में बिल्कुल मस्त रहे। बस गए ऐसे वो बड़ा मजा नजर डरा था। मैं भी गिना अंदर गए भी वे अंदर गया कोई just as surprises you.